हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बनाने वाले हैं हम बहुत ही स्वादिष्ट सा नाश्ता, वो भी बनाएंगे हम ज्वार के आटे से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें डालेंगे हम एक कटोरी ज्वार का आटा। ये हम 2 से 3 लोगों के लिए बना रहे हैं, रिक्वायरमेंट आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें डालेंगे हम 2 टेबल स्पून राइस फ्लोर, इससे नाश्ता बहुत ही कुरकुरा और टेस्टी बनकर रेडी होगा। फिर यहाँ पर लिया है मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे बारीक बारीक कट कर लिया है अच्छे से, वो भी इसमें ऐड कर देंगे हम। इसके साथ ऐड करेंगे हम 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 चम्मच जीरा ऐड कर देंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप। 1/2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है और फिर डालेंगे इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक, मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच नमक लिया है। इसके बाद डालेंगे हम 2 से 3 चुटकी हींग, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे थोड़ा सा हम यहाँ पर। इसके साथ ऐड करेंगे हम कद्दूकस की हुई लौकी, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है और नाश्ता हमारा बहुत ही क्रिस्पी और यम्मी बन के रेडी होता है। तो ये भी मिक्स कर देंगे हम। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे, चम्मच की सहायता से इस तरह से मिला लेंगे हम ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएँ। पहले इसको सूखा ही मिलाना है हमको, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। फिर इसमें डालेंगे हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और एक अच्छे से बैटर बना लेंगे इसका हम, चम्मच की सहायता से इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। पानी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, इकट्ठा नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा ऐड करके ऐड करें। ये देखिए कुछ इस तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और यहाँ पर बैटर हमारा एकदम रेडी हो गया है। अब इसको ढककर हम 5 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। अब चलिए हम चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर गैस पे चढ़ा दिया हमने पैन, और पैन में डालेंगे हम थोड़ा सा तेल, अच्छे से हल्के से ब्रश करेंगे इस तरह से, या फिर आप चम्मच की सहायता से भी डाल सकते हैं। तेल अच्छे से लगा देंगे थोड़ा सा, फिर बैटर इस तरह से चम्मच की सहायता से हम इसमें फैलाएंगे, राउंड राउंड शेप देंगे इस तरह से। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, छोटा बनाना है छोटा, बड़ा भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ का बना रही हूँ और चम्मच से इस तरह से फैला देंगे हम। गैस की फ्लेम यहाँ पर मीडियम रखना है हमको और 2 से 3 मिनट इसको सेकना है। 2-3 मिनट के बाद देखिए अपने आप ये किनारे एकदम खोलने लगते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम हल्का सा ऑयल डालेंगे और इसके ऊपर भी थोड़ा सा तेल लगा देंगे अच्छे से, और 1 से 2 मिनट और सेकेंगे और ये देखिए अपने आप किनारे खोलने लगता है। तो इसको आराम से धीरे से हम इसको किनारे खोलते हुए पलट देंगे। इसको बहुत ही सावधानी से पलटें धीरे से, क्योंकि ज्वार के आटे में एकदम ग्लूटन नहीं होता है तो ये टूट जाते हैं जल्दी से, इसलिए धीरे से बनाएं, आराम से पलटें इसको। और ये देखिए इसको हमने पलट दिया है, और इस तरफ से भी हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे ताकि दोनों तरफ से अच्छे से पक जाएगा, और मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट इधर से भी सेक लेंगे हम। ये देखिए एक बार और फ्लिप कर दिया हमने और ये काफ़ी अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम प्लेट में निकाल लेते हैं, बाकी सारे भी इसी तरह से बना लेंगे हम। तो लीजिए भाई, बहुत ही टेस्टी और कुरकुरे ज्वार के आटे का नाश्ता रेडी है, बहुत ही यम्मी लगते हैं खाने में। तो ज़रूर ट्राई करें आप ये रेसिपी। वीडियो पसंद आया हो तो 1 लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये था आज की हमारी रेसिपी, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।